हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आपके काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स की कैलकुलेशन। कैसे हम ये चीज पता करें कि हमारे पास टोटल त्रिविम समावयवी कितने हैं, कुल त्रिविम समावयवी कितने हैं। बहुत बार बच्चों ने क्लास में और ऑनलाइन क्लासेस में काफी बच्चों ने पूछा था कि सर, हमें सारा ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है, बट इस टॉपिक पे हमें चीजें समझ में नहीं आ रही कि हम कैसे मैनेज करें। रिएक्शंस में नंबर ऑफ आइसोमर्स जब कैलकुलेट करने होते हैं तो हमारा जो वहां पर आंसर है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, या तो कम आता है थोड़ा, एक कम आता है या फिर एक ज्यादा आता है। तो इस चीज को हम कैसे मैनेज करें, तो गाइज आज मैं उसी पॉइंट को टारगेट करने वाला हूँ, उसी पॉइंट को एड्रेस करने वाला हूँ कि कैसे हम कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करें एग्जैक्ट वे में, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ और एकदम सटीक तरीके से उसका आंसर लाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उसकी दो कैटेगरी बनती है। एक बनता है उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और एक बनता है उसका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन। दैट मींस कि एक होता है कॉन्फिगरेशनल कैटेगरी, एक होती है कंफर्मेशनल कैटेगरी। कॉन्फिगरेशन कैटेगरी जो होती है वो ट्रू आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है, यानी कि जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वो पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो वहां पे ऑप्शन होते हैं 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 जो भी आपका आंसर है वो ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल है, वहां पे कंफर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम कंफर्मेशन को इंक्लूड कर देंगे तो वहां पर आंसर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी वजह से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दैट मींस की कॉन्फिगरेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रू आइसोमेरिज्म और इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रू आइसोमेरिज्म कंफर्मेशन को। अब ज्योमेट्रिकल पे हम टारगेट करते हैं, उसके बाद हम ऑप्टिकल पे आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल में नंबर ऑफ आइसोमर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जहां पे जीआई पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और इस कार्बन के इस कॉर्नर पे आप देखोगे तो यहाँ पे CH3 लगा है और इसके इस कॉर्नर पे CH2 CH3 लगा है। तो यहां से आप चलोगे तो CH3 मिलेगा, यहां से आप चलोगे तो CH3 मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो C डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे CH2 मिलेगा। तो सेम चीज सेम जगह पे नहीं मिल रही है, यानी कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इस कंडीशन में जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो, उस कंडीशन में वहां पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 2 की पावर n, वेर n इक्वल टू ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। और n कैसे निकालते हैं, जहां डबल बॉन्ड पे जे हो रहा है, जहां रिंग पे जे हो रहा है, तो वो सारे उसके n में काउंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे एसिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि मान लो हमारे सामने सिमेट्रिकल सिचुएशन आया, तब क्या करेंगे हम? तो बच्चों, सिमेट्रिकल सिचुएशन में हमारे पास दो फॉर्मूलाज थे, एक ओड नंबर ऑफ सेंटर के लिए, एक इवन नंबर ऑफ सेंटर के लिए। जब बात करते हैं हम ओड नंबर ऑफ सेंटर्स के लिए, तो वहां पर 2 की पावर n-1, क्योंकि सिमेट्रिकल में 2 की पावर n से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल दो आपके पास ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वहां पे सिस सिस ये कॉन्फिगरेशन बन सकता है, सिस ट्रांस बन सकता है, ट्रांस सिस बन सकता है और ट्रांस ट्रांस बन सकता है। तो सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सिमेट्रिकल के केस में सेम है, तो आंसर यहाँ पे आएगा 3, 4 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि वहां पे 2 की पावर n से आंसर कम आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आएगा और वहां पे आंसर 3 आ रहा है, तो वो 2 की पावर 2 से कम है। तो फॉर्मूला में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, 2 की पावर n-1 प्लस ये सेम काम हम ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ओड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर हो या फिर इवन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, दोनों में हम करेंगे। अगर वहां पे आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 है तब भी आप 2 की पावर n-1 करोगे, ठीक है। अगर आपके वहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर 3 है तब भी आप वहां पे 2 की पावर n-1 करोगे। तो 2 की पावर n-1 वाला टर्म सेम हो गया सिमेट्रिकल के केस में। प्लस में देखो क्या करने वाले हैं, प्लस 2 की पावर n-1/2 या फिर प्लस 2 की पावर n-2 होल डिवाइड बाई 2। तो 2 की पावर n-1 होल डिवाइड बाई 2 और 2 की पावर n-2/2, ये दो चीजें हमारे पास है। अगर आपका मॉलिक्यूल ओड है तो उसमें ओड वाला यूज कर लो, 2 की पावर n-1/2 वाला, और अगर आपका इवन है तो 2 की पावर n-2/2 कर लो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ये दोनों टर्म्स अगर आप ऐड करते हो तो वहां से आपका बनता है ओड नंबर में ज्योमेट्रिकल सेंटर हो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। अगर इवन नंबर में ज्योमेट्रिकल सेंटर और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, उस कंडीशन में 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2 होल। तो ऐसा होगा, देखो 2 की पावर n-1 प्लस नीचे है, इस टर्म का इस टर्म से जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, प्लस नीचे है 2 की पावर n-2/2। इमेजिन कर पा रहे हो? मैं यहाँ पे आपको अच्छे से मेरे साइड में दिखा सकता था कि यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाए, मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, जानबूझ के दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। गाइज, हम यहाँ पे इमेजिनेशन थिंकिंग में अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको खुद इमेजिन करना है, खुद से उसको सुनना है, खुद से उसको सोचना है, वो आपके लिए काफी मैटर करेगा, ना कि मैं आपको बोलता रहूं साइड में आपको दिखता रहे कहीं पे तो आप देख देख के उसको याद कर लो, ना ये नहीं करेंगे अपन। बस में आ गए सबको, ठीक है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं हमारे ऑप्टिकल सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर के सारे केस हमने डिस्कस कर ली, राइट। ऑप्टिकल सेंटर के केस में बात करें तो मान लो कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, और अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। मान लो कि एक मॉलिक्यूल है वहां पे 3 कायरल सेंटर और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 3 करोगे तो वहां पे 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे,
अगर मान लो मॉलिक्यूल में आपसे कुछ पूछे कि 2 की पावर n, फॉर एग्जाम्पल वहां पे n की वैल्यू 2 है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, CH3CH3CHCHClBr, देखोगे कि मॉलिक्यूल जो उसमें चार कार्बन है, इधर से दूसरे पे सीएल है और इधर से दूसरे पे बीआर है, तो ये वाला सेंटर भी कायरल सेंटर और ये वाला सेंटर भी कायरल सेंटर है और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है क्योंकि सीएल और बीआर सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर हो गए, तो आइसोमर कितने होंगे, 2 की घात 2 = 4, यहाँ पे 4 आइसोमर इसके बन जाएंगे। चार कौन कौन से होंगे, एक कायरल सेंटर पे आर और एस हो सकता है और दूसरे वाले सेंटर पे भी आर और एस हो सकता है, तो आर आर एस एस आर एस एस आर बन गए चार केस, चारों चारों डिफरेंट है। अब अगला क्वेश्चन इसमें एग्जामिनर ये पूछता है कि इन चार में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो मॉलिक्यूल अगर एसिमेट्रिकल है तो किसी भी आर आर में से, आर एस में से, एस आर में से और एस एस में से कोई सा भी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखेगा, तो चारों के चारों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर अगला वो ये पूछता है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनमें से कितने पेयर के फॉर्म में, कितने एनेंशियमेरिक पेयर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि टोटल एनेंशियमेरिक पेयर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास चार कौन से थे, आर आर एस एस आर एस एस आर, आर आर भी ऑप्टिकली एक्टिव, एस एस भी ऑप्टिकली एक्टिव, आर एस भी ऑप्टिकली एक्टिव और आर एस एस आर भी ऑप्टिकली एक्टिव, चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चों आर आर की मिरर इमेज कौन है, एस एस, तो ये एक एनेंशियमेरिक पेयर हो गया, आर एस की मिरर इमेज कौन है, एस आर, तो ये एनेंशियमेरिक पेयर हो गया। दैट मीन्स कि जितने आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर है उन ऑप्टिकल आइसोमर्स में से जितने ऑप्टिकली एक्टिव है उसके अगर आप हाफ करते हो तो वो एनेंशियमेरिक पेयर बन जाते हैं। अगर मान लो चार आइसोमर बने और चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो चारों के चारों जब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो उनके आधे करोगे आप दो तो उनके टोटल एनेंशियमेरिक पेयर बन जाएंगे, क्योंकि आर आर और एस एस मिरर इमेज, आर एस और एस आर मिरर इमेज एक दूसरे की, तो ये आपके यहाँ पे एनेंशियमेरिक पेयर बन जाएंगे। तो ऑप्टिकल में वो थोड़ा डिटेल में जाता है, ऑप्टिकल में वो पूछता है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि कई बार आप देखते हो कि है ना मिक्स कर देते हैं एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में, कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों मिक्स कर दिया, आप बताओ कैसे करोगे, तीन सेंटर दे दिया आपको, तीन सेंटर में से मान लो एक जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है और दो जो है वो कायरल सेंटर है, कि ये वाला सेंटर कायरल, ये वाला सेंटर कायरल और ये वाला बीच वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर, आप कैसे करें, आप कितने आंसर बनेंगे, मान लो कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर 3 करोगे, 8 आ जाएगा। अगर मान लो कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाए तब क्या होगा, तो बच्चों इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो आप ये समझो कि चार कार्बन पे, मान लो कि इधर से दूसरे कार्बन पे सीएल है, इधर से दूसरे कार्बन पे बीआर है, ठीक है, सीएल यहां से और बीआर यहां पे पहले था, अब मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इधर से दूसरे पे भी सीएल है, इधर से भी दूसरे पे भी सीएल है, यानी कि अगर आप बीच में एक मिरर लोगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट की इमेज, यानी कि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गया, चार कार्बन का दो सीएल वाले, यानी कि दो कायरल सेंटर और दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज, यानी कि मॉलिक्यूल में सिमेट्रिसिटी है। अब कितना आंसर होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आर एस एस आर एस और एस आर, तो आर एस और एस आर सेम हो जाएंगे, तो कितना आंसर होगा टोटल आर आर एस एस आर एस, यानी कि तीन आंसर। तो सिमेट्रिकल केस में मैक्सिमम तो वैसे चार होते थे बट सिमेट्रिकल केस में आर एस और एस आर सेम होने से कितना हो गया, तीन हो गया। ये तो बात हो गई दो कायरल सेंटर के बारे में, मान लो तीन सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे एक ज्योमेट्रिकल और दो कायरल होते, उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं, तो दो कायरल सेंटर होते तो इस पे मान लो आर है और इस पे मान लो आर है, एक कॉन्फिगरेशन ये बन गया, इस पे एस है, इस पे एस, एक कॉन्फिगरेशन ये बन गया, इस पे आर और इस पे एस, आप आर एस बोलो या एस आर बोलो बात एक ही है ना, तो तीन तो मैंने देखो दो सेंटर पे मैंने तीन केस बना दिए आर आर एस एस आर एस, अब बीच में एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो हो सकता है कि एक बार बीच में सिस हो जाए, तो ये तीन जो है इनका एक कॉन्फिगरेशन सिस के साथ और इन्हीं तीन का एक कॉन्फिगरेशन ट्रांस के साथ, तो 3 × 2 = 6, तो आंसर कितना आएगा 6। तो सिमेट्रिसिटी वाले जो केस होते हैं उसको आपको खुद भी कुछ सोल्व करके देखना होता है, वहां पे फॉर्मूला अप्लाई मत करना एग्जाम में, कभी भी फॉर्मूला अप्लाई मत करना अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे अगर एडवांस का पेपर है तो वहां पे वो फॉर्मूला अप्लाई करवा आपसे नहीं करवाना चाहता, वो क्वेश्चन ऐसा देगा ही नहीं कि आप वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आप रिसेंट ईयर्स के पेपर्स देखते हो तो आपने अगर देखा होगा तो पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था जहां पे एक रिंग बना रखी थी और वहां पे ऐसे लहराती हुई लाइन बना रखी थी, फिर ऐसे ऐसे लहराती हुई बोल रहा था कि ये जो लाइन है कर्व ये फ्लेक्सिबल है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है और जो रिजिड है वो स्टेरियो लॉक है, अब बताओ कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपका इमेजिनेशन और आपकी ब्रॉड थिंकिंग जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स को लेके वो मैटर करती है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के डिटेल में जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मॉलिक्यूल में आप सबसे पहले चेक करो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं होना चाहिए, अगर दोनों नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव आ गया फिर उसके बाद आपने देखा कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो अपनी मिरर इमेज भी रखता है, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज ये वाला,
तो हमेशा मॉलिक्यूल जब आपको दिया जाए एडवांस के पेपर में, तो आपको वहां पे क्या करना होता है, मॉलिक्यूल में पहले आप निकालोगे कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर है, ये आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा। कायरल सेंटर निकालने के बाद में दूसरा स्टेप रहेगा कि क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। अगर एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n में लगा दो, सब कुछ आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कुछ कम होगा, जैसे कि वो 3 में मैंने बताया था, कम क्या होगा वो अपन देख लेंगे कि कितने कम हो रहे हैं, वहां पे बना बना के हाथ से आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट। और जब मान लो, अब जब क्वेश्चन में हमने लास्ट वाले डिस्कस कराया था वहां पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिक्स है, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये बचता है कि मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हो कि 3 सेंटर है वहां पे और मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, उन 3 में से 1 सेंटर ज्योमेट्रिकल और 2 सेंटर कायरल है, यानी कि 2 किरियल कार्बन और 1 ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? तो आपको वहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 की पावर n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 क्या होगा, n1 होगा ऑप्टिकल सेंटर, n2 होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो उस मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिकल था, 2 किरियल सेंटर थे, तो n1 हो गया 2 ऑप्टिकल सेंटर, और ज्योमेट्रिकल सेंटर 1 था तो हो गया 1। तो 2 की घात 2 प्लस 1 बराबर 2 की घात 3 इक्वल टू 8, तो आपका आंसर आ जाएंगे। एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम 3 कायरल सेंटर तक आते हैं, लेकिन आजकल जो पेपर चेंजेस हो रहे हैं, जो पेपर पैटर्न ट्रेंड कर रहा है, उसके हिसाब से आजकल वो क्वेश्चन देना पसंद करता है जहां पे वो स्टीरियो लॉक यूज करे, जहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी डाले कि आप ऊपर नीचे करके देखो, जहां पे वो कंपाउंड ऐसा बना दे कि आप उस कंपाउंड में एक बार के लिए घूम जाओ कि इसमें कायरल सेंटर देखूं मैं कितना है, इसमें कायरल सेंटर कितना नहीं है। बट ऐसा नहीं होगा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उस कंपाउंड की पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसमें सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट है, तो उसका मिरर इमेज और वो दोनों आपस में आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आई होप कि गाइस आपको इस शॉर्ट वीडियो में टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको बनाया है, इस शॉर्ट वीडियो में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और पॉइंट समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसके अलावा क्या चीजें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है। और अगर अच्छा लगा तो मैं जरूर उसका आंसर करूंगा, आपके जो भी क्वेरीज होगी आप जरूर मुझे बताएं, क्वेरीज आपकी जनरल होनी चाहिए। बच्चों मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।